ऋषभ पंत पिछले 2 साल से एक्सीडेंट की वजह से भारतीय टीम से बाहर हैं। 22 मार्च से टाटा आईपीएल 2024 शुरू हो रहा है। इसके साथ ही ऋषभ पंत को एनसीए ने फिट घोषित कर दिया है। पहले खबरें ये आ रही थी कि ऋषभ पंत आईपीएल में केवल बल्लेबाजी करते ही नजर आएंगे। अगर ऋषभ पंत इस आईपीएल में विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते हुए अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जयसा ने यह साफ कर दिया है कि जून में होने वाले T20 विश्व कप की भारतीय टीम में शामिल हो सकते हैं ऋषभ पंत। मतलब यह साफ हो चुका है कि अगर पंत विकेट कीपिंग करते हैं तो संजू सैमसन, ईशान किशन या फिर जितेश शर्मा में से किसी एक को T20 विश्व कप 2024 में केवल बैकअप विकेट कीपर के तौर पर ही भारत की टीम में शामिल किया जाएगा। मोहम्मद शमी पहले ही सर्जरी करवा कर T20 विश्व कप और IPL 2024 से बाहर हो चुके हैं। मोहम्मद शमी की भारत टीम में वापसी अब सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से होने की उम्मीद है। वहीं KL राहुल इस टाटा IPL 2024 में खेलते हुए नजर आएंगे। तो फ्रेंड, हमारे हिसाब से तो ऋषभ पंत अभी भारतीय टीम में सबसे बेस्ट विकल्प है, यदि वो फिट हो जाते हैं तो T20 वर्ल्ड कप के लिए। और सभी प्रशंसकों का भी मानना है कि ऋषभ पंत बेस्ट खेलते हैं, बेस्ट फिनिशिंग करते हैं और कीपिंग करते हैं बहुत अच्छी तरह से, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं। तो इसीलिए हम लोग का भी मानना है कि ऋषभ पंत सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऋषभ पंत के जो खेलने का टेक्निक है वो कुछ अलग है और अभी तक इंडिया की टीम में वैसा होनहार बल्लेबाज नहीं नज़र आ रहा है विकेट कीपिंग के साथ साथ। ऋषभ पंत के विकेट कीपिंग करने का तरीका कुछ अलग है, उसका टेक्निक कुछ अलग ही तौर पर है, जिसके कारण ऋषभ पंत हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है T20 विश्व कप 2024 में, जो कि जून से शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में, जो कि जून से शुरू होने वाला है, उसमें इंडिया के विकेट कीपर के तौर पर सबसे बेस्ट विकल्प क्या है। यदि ऋषभ पंत यदि पूरी तरह फिट हो जाते हैं तो जितेश शर्मा, उसके बाद ईशान किशन और संजू सैमसन, इन में से सबसे बेस्ट विकल्प आपको क्या लगता है? क्या ऋषभ पंत आपको भी सर लगता है कि सबसे बेस्ट विकल्प है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह क्रिकेट अपडेट्स, क्रिकेट न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।